नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव और इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन में पंजाब किंग्स की टीम नए नाम के साथ उतरी है, लेकिन किस्मत नहीं बदली। पहला मैच जीतने के बाद टीम को दो लगातार हार मिली है। रविवार को दिल्ली के सामने कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की शानदार पारी के बाद टीम ने 196 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में शिखर धवन की धमाकेदार पारी के दम पर दिल्ली ने 18.2 ओवर में ही 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का 11वां मैच वानखेड़े के मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीम के बीच खेला गया, जहां पर दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब किंग्स की टीम ने अपने सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की अर्धशतकीय पारियों के दम पर शानदार आगाज किया और निर्धारित 20 ओवर्स में 4 विकेट खोकर 195 रन बनाने का काम किया। उल्लेखनीय है कि किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल इसी दिन अपना 29वां जन्मदिन मना रहे थे। बर्थडे के मौके पर उन्हें दुनिया भर से बधाई संदेश मिले। अब उन्हें एक ऐसे शख्स ने बर्थडे विश किया है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। केएल राहुल की गर्लफ्रेंड आतिया सेट्टी ने उन्हें खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। बॉलीवुड एक्टर सुनील सेट्टी की बेटी आतिया सेट्टी अपनी फोटो को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इसके अलावा पिछले कई दिनों से आतिया की बॉयफ्रेंड केएल राहुल के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आतिया सेट्टी राहुल के साथ अक्सर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर से केएल राहुल के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है, जो अभी ट्रेंडिंग में शामिल हो गई है। दरअसल आतिया ने राहुल के साथ अपनी फोटो उनके बर्थडे के खास मौके पर शेयर की है। आतिया ने तस्वीर के जरिए राहुल को बर्थडे विश किया है। इससे फैंस में दोनों के अफेयर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सवाल तो है कि क्या आतिया इससे अपने रिलेशनशिप को पब्लिश कर रही हैं। खैर, आतिया ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए भी स्पेशल कैप्शन लिखा है। आतिया ने लिखा, आपके लिए आभारी, जन्मदिन मुबारक हो। फिलहाल के लिए खबरों में तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पर इंडिया।